हाय गाइस, इसमें सनातन है। मेरी यूट्यूब चैनल सनातन माधव में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हम लोग बहुत बड़े जो दिल्ली में बहुत बड़े ठगी का शिकार हुए थे, उसी के बारे में आप लोग बताने वाले हैं। क्या ठगी के शिकार हुए हैं? और अच्छा, मतलब दीदी भी थी और मेरे ही रिक्वेस्ट पे वो हुआ शायद। मैं बोल सकते मैं भी बोली, अंजलि भी बोली कि देखिए, और ये अकेले नहीं, गणेश जी भी कम नहीं है। दोनों का 50-50% दोनों का हाथ है। गणेश जी तो एकदम पैसे ऐसे निकल, हाँ पांच मिल रहा है, ये भी गदगद हो गया है, ले लो। और आप लोग भी सतर्क रहिएगा, दिल्ली जाइएगा तो इस पे खास करके सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह से हो सकती है। डकैत के नाम से वो भी, और क्या बोल सकते हैं। और जिस सिटी पे हम लोग रहते थे उसमें चोर चमाटी ये सब बहुत ज्यादा होती थी, ठग से वगैरह होना वो एकदम नॉर्मल बात है। जैसे ही हम लोग आ रहे थे ट्रैफिक में आ रहे थे, कोई रुका, स्कूटी से कोई पार हो रहा था, उनको चाकू घोंप दिया, ठीक है, उसमें तो हम लोग, क्योंकि हम लोग खुद डर गए थे, चाकू घोंप दिया और छटपटाने लगा, चला गया। और जो आदमी तीन चार उसके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि जो ड्राइवर हम लोग को ला रहा था वो तक बोला कि आप लोग यहाँ पर मत उतरिए, ये जगह सेफ नहीं है। उसके बाद वहां से हम लोग आगे आए, उसके बाद हम लोग को वहां का कहानी सुनाया, वही ड्राइवर सुनाया, और उसमें वो आदमी छटपटाते रहा, पता नहीं उसके बाद उसका क्या हालत रहा। हम लोग तो आ गए, इतना हम लोग भयंकर जगह में वो था। उसके बाद फिर हम लोग आए, जब आज जो रिसीव छोड़ने आया था एयरपोर्ट, वो भी बताया ना कि वो एरिया सही नहीं है। वो भी आज जो एयरपोर्ट हम लोग को ड्राइवर मिल रहा था, सभी लोग बता रहे कि ये सही एरिया नहीं है। जिस एरिया में वो, जिस एरिया में रुके हो उसमें एकदम मतलब फूक फूक के कदम रखना है। तो अभी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या चीज का ठगी के शिकार हुए हैं। तो फिलहाल अभी हमारे दोस्तों, हम लोग आते टाइम 4 से 5 सूट मिला कपड़ा का, वो तुरंत बहुत स्पीड में बोल रहा था, जल्दी भाई जल्दी ले लो कपड़ा, बहुत मतलब चोरी का माल है, दुकान से चोरी करके लाए। एक एक पीस का 700 करके इसका प्राइस है, एक सूट का 700, हमने 5 पीस लिया है, तो एक सूट का अगर 700 प्राइस है, ऊपर से पूरा चमक रहा है, लोगों को तो कुछ सूट वूट का नॉलेज नहीं है, हम और अंजलि तो पता है कितना चमक दमक पहनते नहीं है, ये लोग जो उसका चमकीला जो देख के जो लुक होता है ना, दोनों का एकदम अच्छा लगा। हम लोग ये फ्रंट से लुक दिखा, रात के टाइम था तो लुक से अच्छा लग रहा था कि ये नया है शायद, लेकिन क्या पता ये पुराना था। ट्रैफिक में थे हम लोग, जल्दी जल्दी बोले ले लीजिए जल्दी कर रहा है, और जो ड्राइवर था वो भी बोला कि मत, नहीं लगा भाई, काहे तो यू कर रहा है। और ज्यादा ड्राइवर बोला भी नहीं तो उनको भी मार बोला, वो बोला कि देखिए हम तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि अभी पता नहीं जगह एरिया सही नहीं, हमको मार के चल जाएगा, इसीलिए वो कुछ बोला नहीं, वो बाद में हम लोग को बोल रहा था। पर चलिए ठीक है, आप लिए, लेकिन ऐसे कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इधर ना बोल रहा, आप उधर हाँ बोल रहे तो उससे मैं पिटा जाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही बोल रहा था, उस टाइम उसका यदि बात मान लेते तो आज ये ना होती। हाँ, अभी बोला कि छोड़ जा, अभी कहाँ लेंगे, एकदम पुराने कपड़े, एकदम पुराने कपड़े है ये, फटा हुआ, एकदम यूज किया हुआ, एकदम बेकार सा, ठीक है। और आप लोग भी यदि जाओ दिल्ली तो ये ध्यान रखना कि ये सब के शिकार ना होना, सब सतर्क होने के लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि आप लोग भी दिल्ली कोई जाओ, हमारे जैसे मतलब क्या होता है, भोले भाले इंसान जो किसी की बात पे आ जाते हैं, और पहली बार गए, हाँ पहली बार हम लोग का दिल्ली में जाना हुआ, तो क्या पता ऐसी होती है। तो आप लोग भी जब दिल्ली जाओ तो ध्यान रखना है, ऐसे सड़क पर कुछ भी सामान मत खरीदना जो कि बोले तुरंत ले लो। और वहां भी कपड़ा कुतुब मीनार के सामने वो वहां तो कपड़ा बेचने आया था, याद है, स्वेटर कुछ बेच रहा था, तब हम लोग नहीं लेंगे, सस्ता में लगा दे रहा था। तो अच्छा कि हम लोग लिए नहीं थे उस टाइम, लेकिन इससे पहले लिए थे ये वाला, हम लोग तो चेक हो नहीं किए, ये यदि चेक कर लेते तो उसको वहीं पे सुना देते भाई, हम लोग नहीं रहते, हम लोग चेक नहीं किया, बस लिया तब से ढोर है। अभी हम लोग आए तो बोले चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। अभी पता चला कि इतने सारे जो कपड़े हम लोग जो 4-5 ड्रेस लिए सभी सेकेंड हैंड है, सेकेंड मतलब एकदम तो पहना भी पूरा बेकार, मतलब पूरा बेकार पहन के इसको एकदम पूरा बेकार कर दिया है, और उसके बाद इसको पैकेट में भर के, प्लास्टिक भर के जल्दी जल्दी जाके ट्रैफिक में इस तरह से बेच रहा है रात के टाइम। और रात में तो जानते हैं कुछ भी चीज हो, ये सब लाइटिंग में सब तो लाइट ऐसे ही करती है। अभी लग रहा है राजा महाराजा का टाइम का ये जो होता नहीं कपड़ा जो डिजाइन में होता है, उस टाइम का डिजाइन का ये कपड़ा है, और हम लोग लेके पेपर में ऐसे लपेट के एकदम बेचा जा रहा है, क्या बताएं, देखिए ये सारे कपड़े हैं।
और इतने हम लोग ठगी शिकार हुए तो आप लोग से भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। कहाँ से आया मकसद बनाने का ये था कि आप लोग ये सब डेली आओ तो प्लीज ये सब कपड़ा मत लेना, कहीं भी कुछ भी ऐसे कोई दे तो नहीं लेना, अच्छा कहीं जगह पे मॉल पे हो ये सब ले लो सही है, ले सब चक्कर में रहोगे तो बस इसी तरह से रहोगे क्योंकि आप बार बार डेली आओगे ना वो इंसान किधर गया किधर पता नहीं, अगर मिल भी गया तो आप उसको कुछ उखाड़ नहीं पाओगे क्योंकि आप तो नए हो वहां पर, आपको कोई जानने वाला नहीं कहीं कुछ या नहीं, ठीक है। तो बस यही बताना था और जितना हो सके वीडियो को फैला दो ताकि और भी कोई दिल्ली पे आए तो उसके साथ इस तरह से ना हो जैसे हमारे, और सतर्क रहे इसीलिए खास करके ये वीडियो बनाई जा रही है। आप कुछ कहना चाहते हो? बस दिल्ली में सावधान रहे, बस इसलिए सावधान रहे आप लोग और सतर्क रहे इतना ही बोला था। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।